हाय फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड कैसे हैं फ्रेंड उम्मीद है काफी अच्छे होंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हर किसी के घर में गैस चूल्हा पर ही खाना बनता है और हर किसी के घर गैस सिलेंडर आता है तो यहां पर भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है अगर आप इस अपडेट को अपडेट नहीं करते हैं तो आप सभी को अब गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा क्या कुछ भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से अपडेट आया हुआ है चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एल गैस उपभोक्ता को ई के कराना जरूरी क्यों कराना होगा जरूरी ई के क्या होता है फ्रेंड जैसा कि आप सभी को मालूम है ई के में किसी व्यक्ति का सत्यापन किया जाता है ई के का उद्देश्य है कि जिन ग्राहकों की मृत्यु हो चुकी है उन्हें सूची से हटाना जैसा कि मान लीजिए कि, कि किसी व्यक्ति के नाम पर गैस सिलेंडर मिल रहा है अगर उसका मृत्यु हो गया तो उसको अब गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा और आप सभी मान लीजिए कि लगातार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है लगातार आप उसके नाम पर गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो आपको ई के कराना जरूरी होगा अगर मान लीजिए कि आपका ई के नहीं होगा तो उनके नाम पर गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा यानी कि भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय समझ जाएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनको गैस सिलेंडर की जरूरत अब नहीं है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया गया है शिफ्ट उपभोक्ता चिन्हित करना कि कौन कौन से जो उपभोक्ता है वह एक्टिव मूड में है उनको देखना है तथा तो सब्सिडी संबंधित मामलों का नियमितीकरण मान लीजिए कि आप गैस सिलेंडर जब उठाते हैं तो आपको सब्सिडी भी आता है तो इसके लिए भी जरूरी है ई के वाई सी कराना फिर यहाँ पर मैं आपको बता कि आखिर आप सभी वाई सी कहाँ से कराएंगे उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक अपडेट जारी की गई है एल पी जी कनेक्शन धारकों को ई के वाई सी कराना जरूरी है इस संबंध में जानकारी देते हुए आईओ सी के डिविजनल सेल हेड पटना विनीत कुमार सेठ ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय का इस संबंध में पहले से ही दिशा निर्देश जारी है सभी एजेंसियों के द्वारा उपभोक्ताओं को सूचना दी जा रही है जिन उपभोक्ताओं को अभी तक मैसेज नहीं गया है उन उपभोक्ताओं को ऐसे में से अलर्ट भेजे जा रहे हैं जैसा कि फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि ई के कराने का अंतिम तिथि है इकतीस मई इकतीस मई तक आप हर हाल में अपना ई के करा लें फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि ई के आखिर होगा तो कहाँ होगा तो फ्रेंड जिस एजेंसी पर आपका गैस कनेक्शन हुआ है वहाँ पर आप सभी अपना आधार कार्ड और आपको जो पासबुक मिला है गैस सिलेंडर वाला उसको ले जा के आप अपना ई के करा सकते हैं ई के कराने के बाद ही आप लोगों को अब गैस सिलेंडर मिलेगा यहाँ पर जो भारत सरकार का निर्देश है उसमें बताया गया है मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे चलिए फिर फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि इससे संबंधित कोई और भी अपडेट जारी हो तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूं।